my students, so in previous video I told you about subject and predicate. उसका definition मैंने बताया, example के थ्रू मैंने explain किया कि subject क्या है, predicate क्या है. अब हम क्या पढ़ेंगे कि subject predicate को पहचानना कैसे, ठीक है. और इस पर मैं आपको एक trick बताऊंगा, जिस trick को अगर आपने follow कर लिया तो आपका subject और predicate कभी wrong नहीं होगा. जैसे कि मैंने सेंटेंस में आपको पढ़ाया था कि सेंटेंस के चार पार्ट होते हैं, चार पार्ट, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लामेटिव. आज हम उन्हीं चार सेंटेंस को लेकर के आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पहचानना है. तो देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट. Stand up. What is your name? How beautiful the child is. So, अब declarative sentence का एक example हो गया, imperative का हो गया, interrogative का हो गया और हमारा exclamatory. Now, अब हम देखेंगे subject predicate पहचानने का सबसे easy trick क्या है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं. लेकिन वो sentence matter करता है. तो declarative sentence की पहले हम बात करेंगे. तो जब कभी भी बेटा अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहचान लेते हो, जो मैं डेफिनेशन पढ़ाया है वो तो वेल एंड गुड, अगर उससे और इजी करना है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डस, डिड, विल, शैल, अगर ये आपको सेंटेंस में दिखाई पड़ते से पहले वाले में हमें आर मिला तो वहां से लेकर के अगला पूरा हिस्सा यह बन जाता है प्रेडिकेट. उसके पहले का हिस्सा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट. प्रोनाउन भी है, अगर कोई नाउन हो तब भी उसे मान दे, तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं. दूसरा इंपरेटिव में देखिए, इंपरेटिव में मैंने क्या बताया था कि देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, लेकिन सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है. कोई सब्जेक्ट नहीं, कि सब्जेक्ट अंडरस्टूड है. स्टैंड अप, स्टैंड अप मतलब खड़े हो. अब यहां पर आपने देखा कि सर यहां पर कोई को नहीं है नाउन नाउन, तो हम यहां पर सब्जेक्ट कैसे करेंगे. तो यहां पर सब्जेक्ट हमेशा अंडरस्टूड होता है, जिसको हम हमेशा क्या मानते हैं, यू. और बाकी का हिस्सा हमारा क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट. यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, यह हिस्सा प्रेडिकेट. थर्ड है व्हाट इज योर नेम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यहां पर थोड़ा सा नियम उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा. यहां पर क्या था कि हेल्पिंग वर्ब के पहले का हिस्सा सब्जेक्ट कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद को साथ में लेकर के वो बन जाएगा प्रेडिकेट. यहां पर क्या है, इंट्रोगेटिव में इज मिला आपको, मैंने बताया इसे मार वाज वर हैज हैव हैड डू डस डिड विल शैल, तो इससे लेकर के इसके पहले का हिस्सा प्रेडिकेट होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट. ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. सेम थिंग यहां देखिए, एक्सक्लामेटरी में हाउ ब्यूटीफुल द चाइल्ड इज, लास्ट में आपको इज मिला हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन सिर्फ यही हिस्सा हमारा प्रेडिकेट होगा और पूरा का पूरा यह हिस्सा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने का तरीका. ये सारी बातें आप कॉपी में नोट करेंगे और कल मैं आपको जो है इसके एक्सरसाइजेस सेंड करूंगा सॉल्व करने के लिए. थैंक यू क्लास.